जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत तितावी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां बीते दिनों हुई युवक हैप्पी की हत्या के मामले में तितावी थाना अध्यक्ष क्षितिज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बघरा स्टैंड से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका मृतक की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने मृतक की पत्नी शिवानी के साथ मिलकर हत्या की साजिश को रचा था। जहां शिवानी ने अपने पति को घर पर बुलाया था और वापस लौटते समय उसने हैदरपुर के रास्ते में उन्हें रोककर हैप्पी की हत्या कर दी। वहीं विरोध करने पर उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट कर मृतक व उसके भाई का मोबाइल लेकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस टीम ने अभियुक्त अनुज पुत्र रणवीर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस व मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। ये 4 तारीख को हैप्पी नामक युवक की तितावी थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में मृत्यु हुई थी रात को 1:30 बजे के लगभग। इसके संबंध में आज इसका खुलासा किया गया है और इस खुलासे में ये बात सामने आई है कि ये जो मृतक है, इसकी पत्नी जिसकी शादी अभी पिछली 28 फरवरी को हुई थी अपने सगे चचेरे भाई से थे और उसके कारण ये इस शादी से खुश नहीं थी और इस लड़की ने और उसके चचेरे भाई ने मिलने का प्रोग्राम इसे मारने का प्रोग्राम बनाया और लड़की ने इसे फोर्स करके गांव में बुलवाया रात को और उसके चचेरा भाई अनुज जो कि उसका प्रेमी था उसने इसे गोली मार दी था। इसके साथ आए इसका जो चचेरा भाई था मनीष उसके भी सिर पर चोट मारी और उसके द्वारा इसकी सूचना दी गई थी लेकिन मारने वाले का पता नहीं था। इसके संबंध में इस घटना के खुलासे में वो तमंचा बरामद हुआ जिससे ये घटना हुई और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। तो गिरफ्तारी कितनी हुई सर? इसमें अभी एक की गिरफ्तारी हुई है जो मानने वाला है, अभी जो इसकी को अक्यूज्ड है लड़की उसकी गिरफ्तारी भी बाकी है। बरामद क्या है? बरामदगी में तमंचा है जिससे मारा गया और मोबाइल फोन है, जो मोबाइल फोन मृतक का मोबाइल फोन था। जनपद जालौन के तहसील कोंच के ग्राम विरगुआ बुजुर्ग में आयोजित रामलीला में शनिवार की रात को रावण वध लीला हुई। अंगद के काफी समझाने पर भी रावण बात नहीं मानता। यह बात अंगद भगवान श्री राम को बताते हैं तो फिर अंत में युद्ध ही विकल्प रह जाता है। इसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर देते हैं और फिर रावण के भाई कुंभकर्ण का भी वध आयोजित लीला में हो जाता है, जिसके बाद भगवान श्री राम रावण से घनघोर युद्ध कर उसका वध कर देते हैं। जैसे ही रावण के वध का समाचार देवताओं को मिलता है, देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं, चारों ओर जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। आयोजित रावण वध लीला का आसपास के ग्रामीणों ने खूब आनंद उठाया। वहीं आयोजक कमेटी के प्रबंधक शरद निरंजन, अध्यक्ष इंजीनियर मोहित विरगुआ, कोषाध्यक्ष नरेंद्र परिहार, राकेश यादव, बलबीर सिंह प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। और ये जो रामलीला हो रही है हमारे ग्राम में और आज उसका समापन है और जो रामलीला में हमारे ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों ने सहयोग किया है मैं उसका आभारी हूँ। और यदि मेरी ग्राम की जनता व क्षेत्रवासियों का यही सहयोग रहा तो मैं इस रंगमंच के माध्यम से हर वर्ष सुंदर लीला का अभिनय करता रहूँगा। मीडिया की खबर का असर हुआ है। जहां जनपद जालौन में पिछले शुक्रवार 8 मार्च से यूपी में संपन्न हुई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बहिष्कार कर रहे शिक्षकों की मांगे तीसरे दिन बाद योगी सरकार ने मान ली है। आपको बता दें, जनपद जालौन के राजकीय इंटर कॉलेज उरई में मूल्यांकन के प्रथम दिन ही कॉपी चेक करने गए शिक्षकों ने उग्र रूप धारण करते हुए कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया था और योगी शासन को शिक्षकों का विरोधी बताते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा था, हमारी मांगे पूरी करो और पुराने पेंशन को बहाल करो, जिसे ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके फलस्वरूप योगी शासन शिक्षकों के आगे झुका और उन तमाम प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांगों को मान लिया गया। वहीं प्रदेश के चेत नारायण गुट के उपाध्यक्ष गिरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सभी का सहयोग रहा जिससे हमारी मांगे पूर्ण हो गई। यूपी सरकार ने हमसे वादा किया है कि लोकसभा के चुनाव के उपरांत 15,000 रुपए मानदेय के रूप में शिक्षकों को देने की बात कही है। अब हम मूल्यांकन कार्य को सरकार की मंशा के अनुरूप बनाने में कार्य करेंगे। शिक्षकों की सेवा नियमावली बनके तैयार, आचार संहिता समाप्त होते हुए सेवा नियमावली प्रकाशित हो जाएगी। ये प्रतिदिन का शिक्षक अंशकालिक शिक्षक न होकर पूर्णकालिक शिक्षक होगा और 15,000 रुपए इनका बैंक खाते में जाएगा।
जनपद सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने एक बार फिर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अमित विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष और नफीसुर रहमान को संगठन में कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। संगठन के जिला कार्यालय पर आयोजित एक सादे समारोह में दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने उनके मनोनयन का पत्र भी सौंपा और अपेक्षा की दोनों पदाधिकारी पत्रकारों के हित में कार्य करेंगे और पत्रकार उत्पीड़न के किसी भी मामले के विरोध में सक्रिय रहेंगे। संगठन के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अमित विश्वकर्मा और नफीसुर रहमान का जिले के पत्रकारों ने उनकी नियुक्ति पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मनोनयन कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला प्रवक्ता मनोज कश्यप ने किया। आज जो कार्यक्रम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया, जिसमें मुझे कोषाध्यक्ष के पद से नवाजा गया, सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आलोक तिना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष हैं आलोक तिनाजा जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे जिला उपाध्यक्ष पद बल्कि कार्यभार संभालने के लिए इस लायक समझा। और मैं इस पद की जो गरिमा है, जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूँगा और इनके आशीर्वाद से इस संगठन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, जिसमें हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय सौरभ कुमार जी से अनुमति प्राप्त करके और जो जनपद में अनुशासन समिति हमारी गठित है उनकी सहमति लेकर श्री अमित विश्वकर्मा जी, जो ANI न्यूज चैनल के प्रभारी हैं, उनको जिले में उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही नफीसुर रहमान साहब, जो द पुलिस नाव पत्रिका मासिक पत्रिका है उसके मुख्य संपादक हैं, उनको कोषाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। ये क्रम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में निरंतर चलता रहता है और अब हमारे जिले में 4 उपाध्यक्ष हो गए हैं। पहले 3 उपाध्यक्ष थे, अब 4 उपाध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात है कि महानगर से अकेले अमित विश्वकर्मा जी जिले में उपाध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं। कैराना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप बोलेरो गाड़ी सहित 30 पेटी देशी हरियाणा शराब की बरामद की है, जहां पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। SP शामली अजय कुमार पांडे के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कैराना कोतवाली पुलिस में तैनात SI हरिओम त्यागी ने अपनी टीम के साथ यमुना ब्रिज पर चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप गाड़ी सहित एक युवक को हिरासत में ले लिया, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से 30 पेटी देशी हरियाणा शराब की बरामद की। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम विक्की पुत्र बरबीर थाना गढ़वाल बड़ौदा जिला सोनीपत बताया है। वहीं पुलिस ने युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मिलावटी शराब बनाते एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मिलावटी शराब बनाते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SSP सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में बिरासी चौकी प्रभारी ब्रह्मजीत सिंह तोमर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां मुखबिर की सूचना पर उन्होंने टीम के साथ गांव दूधली में छापेमारी करते हुए मिलावटी शराब बनाते बानबीर पुत्र शिप्टर निवासी दूधली को 10 लीटर मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वह शराब में मिलावट कर उसे बेचने का काम करता था, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। SSP सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस महकमे में किए गए फेरबदल के बाद चरथावल थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां SI भोले शंकर, SI सुरेश कुमार, SI ब्रह्मजीत सिंह व SSI मनोज कुमार चाहल को भावभीनी विदाई दी गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में तैनात SI सुरेश कुमार को जानसर थाना व SI ब्रह्मजीत सिंह को उमरपुर चौकी थाना बुढ़ाना और SI भोले शंकर को थाना रतनपुरी व SI योगेंद्र सिंह को थाना रामराज और SSI मनोज चाहल को चुनाव सेल की कमान SSP सुधीर कुमार सिंह ने सौंपी है।
इसी के चलते आज चरथावल थाना परिसर में चरथावल थाना प्रभारी राजीव कुमार व पूरे पुलिस स्टाफ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर चरथावल थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। इस मौके पर चरथावल थाना प्रभारी ने कहा कि स्थानांतरित किए गए सभी पुलिस कर्मियों ने अपने समय में चरथावल कोतवाली में पुलिस का भरपूर सहयोग किया और जनता से सीधे संवाद बनाए रखे। उन्होंने कहा कि इन सभी चौकी प्रभारियों और SSI मनोज कुमार चाहल की कार्यशैली को चरथावल थाना क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे। फरीदाबाद में राहगिरी कार्यक्रम में इस बार महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित रहा। वहीं पुलिस कर्मचारियों को भी भागदौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से फिट रहा जाए इसके लिए योग कराया गया। राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत योगा से की गई। इसके अलावा जुम्बा डांस और हरियाणवी डांस पर शहरवासियों ने जमकर मस्ती की। मंच पर मस्ती और ग्राउंड में अलग अलग तरीके से शहरवासी राहगिरी का आनंद उठाते दिखाई दे रहे हैं। राहगिरी के इस प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर SDM त्रिलोक चंद्र रहे। उनके अलावा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोना सिंह, ACP धारणा यादव, ACP महेंद्र वर्मा के अलावा शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सेक्टर 12 के टाउन पार्क के ग्राउंड में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं के नींबू रेस कराई गई। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर सुप्रिया ने देशभक्ति के अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कविताएं प्रस्तुत कर शहरवासियों को महिलाओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया। ACP धारणा यादव ने पुलिस में भर्ती नए रंगरूटों को महिलाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। इसके अलावा राहगिरी कार्यक्रम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोना सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त में कानून की सहायता लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM त्रिलोक चंद ने बताया कि कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आयोजित किया गया है, लेकिन फिर भी शहरवासियों ने जमकर इसका आनंद उठाया। देखिए, हमें अभी ये राहगिरी प्रोग्राम शॉर्ट नोटिस पे हमने किया है और हमारा विशेष उद्देश्य यही है कि सोसाइटी में जो वुमन की रिस्पेक्ट है वो बढ़े और रोल क्या है वुमन का देखा जाए तो समाज में रोल ही वुमन का है और एवरीडे ही जे वुमन डे। पुलिस का बहुत बड़ा यहाँ रहता है सहयोग, काफ़ी संख्या में आते हैं, क्या उनको बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, हमारी दुर्गा शक्ति की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, उनको इसी बात पे मोटिवेट किया जा रहा है और पब्लिक को भी बताया जा रहा है कि हमारी दुर्गा शक्ति जो टीम है वो हमेशा लेडीज के वुमेन के साथ है और एवरी प्लेस पे साथ है। इस बार का थीम हमारा वुमेन के ऊपर है, इसमें पिछली अभी लास्ट दिन गया है तो उसी को लेकर के हमने सेलिब्रेट किया है। इसमें हमने जो गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट जो भी है वो हमने इस बार महिलाएं ही रखी हैं और इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने ये आयोजन इसका किया है। बड़ा सफल आयोजन है, बच्चे भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस के जवानों को भी मोटिवेट किया गया है, क्या उनको सिखाया गया है, क्या बताया गया है? बस उनको सभी को मोटिवेट किया गया है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई है। इसका ये राहगिरी का जो हमारा कार्यक्रम है, इसका जो थीम था रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जिला प्रशासन फरीदाबाद की तरफ से ये रहा। और आज जैसा कि आपने मेरी कविता के माध्यम से भी सुना होगा, महिलाओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जितनी भी तमाम समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उन पे आज एक कविता मैंने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फरीदाबाद की जनता का। तो मैं तहे दिल से जिला प्रशासन फरीदाबाद, पुलिस प्रशासन फरीदाबाद का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद की इस बेहतरीन सुबह को और भी अधिक खुशनुमा बना दिया है। SSP सुधीर कुमार सिंह के दिशा निर्देशों पर बुढ़ाना पुलिस ने होली त्योहार के मद्देनजर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुलाकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। मीटिंग में SDM बुढ़ाना, CO बुढ़ाना और बुढ़ाना अधिशासी अधिकारी व थाना अध्यक्ष ने होली पर्व को शांति व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। वहीं मीटिंग में मौजूद हिंदू व मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी समुदाय के लोगों ने भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की बात कही। आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां पर SSP सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में बुढ़ाना पुलिस क्षेत्र अधिकारी विजय प्रकाश सिंह व कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह द्वारा होली के त्यौहार के मद्देनजर थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में उप जिलाधिकारी दीपक कुमार व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ओम गिरी भी शामिल रहे। शांति समिति की मीटिंग में अधिकारियों ने कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम प्रधान व जिम्मेदार लोगों को बुलाकर होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। देखिए, ये पूर्व परंपरागत तरीके से थाने पर जो है सभी धर्म, सभी प्रकार के, सभी लोगों के, गांव के और कस्बों के लोगों की शांति व्यवस्था की बैठक की गई है। शांति समिति के लोग इसमें उपस्थित थे और सभी लोगों ने अपने विचार रखे, एक दूसरे का परिचय लिया गया, उनसे बातचीत जान की गई और यहाँ के EO साहब भी उसमें उपस्थित थे।
PO साहब को कहा गया कि भाई यहाँ के पानी की आपूर्ति ठीक रहे, यहाँ की सफाई ठीक रहे बरपर, और लोगों को सबको बताया गया कि भाई कोई भी जो है अनावश्यक रूप से कोई भी कोई अशांति फैलाने का प्रयास ना करें, जो अशांति फैलाए उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और लोगों ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि सभी लोग जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएंगे उस तरह से मनाएंगे। मुजफ्फरनगर में प्रदेश स्तरीय ट्रायल प्रदेश के 190 बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। प्रतिभाग करने वाले बच्चों में 80 बच्चों का चयन होने पर MI क्रिकेट एकेडमी के कोच राहिल सिद्दीकी व कस्बे के गणमान्य लोगों द्वारा बुढ़ाना के खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि कस्बे के अजीज फातिमा हाई स्कूल में MI क्रिकेट एकेडमी चलाई जा रही है, जिसके कोच राहिल सिद्दीकी ने बताया कि वह मोहम्मद अजीज सहित क्षेत्र के दर्जनों बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं। हाल ही में ग्रीन पार्क कानपुर में क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तरीय ट्रायल कराया गया था, जिसमें प्रदेश के 190 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उन बच्चों में 80 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें MI क्रिकेट एकेडमी बुढ़ाना का मोहम्मद अजीज भी शामिल हुआ है, जिसको अंडर 15 में बैटिंग के लिए चयनित किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चयनित बच्चों को हॉस्टल में रखकर उन्हें क्रिकेट की कोचिंग के साथ साथ शिक्षा भी दिलाई जाएगी, जिसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। बुढ़ाना में अजीज का समाजसेवी काजी नदीम व हाफिज रईस ने फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये मोहम्मद अजीज, जो कि मेरे पास में MI क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता था, ये मोहम्मद अजीज का जो है सिलेक्शन जो है ये ग्रीन पार्क कानपुर से हुआ है, जिसमें 190 बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया था और 80 बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हुए, जिनमें हमारे बच्चे मोहम्मद अजीज मेहंदी का भी नाम है। क्या किया आज यहाँ पर स्कूल में आपने? आज कानपुर से वापस आने पर हमने जो है ग्राउंड के अंदर उसका जो है स्वागत किया,